नमस्कार, व्यापार की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। वैश्विक बाजार से मिले मजबूत संकेतों के बूते शेयर बाजार ने सोमवार को तेज शुरुआत की है। इस कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सेंसेक्स 70 अंक बढ़कर 36,566 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी की बात करें तो यह 28 अंक बढ़कर 11,038 के स्तर पर खुला है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों को बाजार में उतार चढ़ाव से निवेश पर नुकसान की स्थिति में अपनी ऋण शोधन क्षमता को बचाए रखने के लिए निवेश अस्थिरता कोष बनाने का निर्देश दिया है। आरबीआई ने अधिसूचना में कहा कि बाजार जोखिमों से बचने के लिए पर्याप्त कोष बनाने के लिए अब से सहकारी बैंक निवेश की बिक्री के समय होने वाले लाभ से एक IFR कोष का निर्माण करेंगे। स्पाइसजेट के शेयर हस्तांतरण को लेकर चल रहे विवाद में इसके पिछले स्वामित्व धारक कलानिधि मारन को मध्यस्थता न्यायाधिकरण से तगड़ा झटका लगा है। न्यायाधिकरण ने स्पाइसजेट से 1,323 करोड़ रुपए हर्जाने और कंपनी में नियंत्रक हिस्सेदारी हासिल करने की मारन और उनकी कंपनी के एएल एयरवेज के दावे को खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में सालाना न्यूनतम जमा की सीमा 1,000 रूपए से घटाकर 250 रूपए कर दी है। अब अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए सरकार ने सुकन्या समृद्धि खाता नियम 2016 में संशोधन किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मुकदमेबाजी के बढ़ते बोझ को देखते हुए आयकर विभाग के अधिकारियों को 50 करोड़ रुपए से अधिक राशि वाली लंबित अपीलों को दिसंबर अंत तक निपटाने के निर्देश दिए हैं। CBDT आयकर विभाग के लिए नीति बनाने वाला शीर्ष निकाय है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार। जेनाविन सेल्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स के गीजर, पंखे, एनलाइटिंग ल्यूमिनरीज, हैवी ड्यूटी एग्जॉस्ट फैंस एंड कूलर फैंस की संपूर्ण रेंज, एल मोनार्क के फैंस, पेडिस्टल फैंस, एग्जॉस्ट फैंस एंड एयर कर्टन की विस्तृत रेंज। जेनाविन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।